नहीं बोलना, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहू प्रणाम जोर जुग पानी। मैं उपस्थित सभी सदस्यों को हाथ जोड़कर प्रणाम वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, लेकिन उससे पहले सदन में जिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है, मैं उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया ने बताया था कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के साथ साथ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लक्ष्य को सामने रखकर सभी वर्गों की उन्नति कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। सुशासन सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति एवं सद्भावना का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जब महामहिम अपने अभिभाषण को कर रही थी, जब वो सरकार के बारे में बता रही थी जो सबका साथ सबका विकास करने के लिए उद्देश्य के साथ काम कर रही है, तब विपक्ष के लोग बेल में कूद गए और उन्होंने इतना हंगामा किया कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये विपक्ष के लोग वो हैं जो रामचरितमानस को नहीं मानते, ये विपक्ष के लोग वो हैं जो रामायण को नहीं मानते, ये विपक्ष के लोग वो हैं जब रामायण को नहीं मानते रामचरितमानस को नहीं मानते तो वो भगवान श्री राम को भी नहीं मानते। और उन्होंने बेल में कूद कर वो हंगामा किया, और मैं तो बताना चाहती हूँ भगवान श्री राम का नाम, जब कहते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पार, सिर्फ राम स्मरण कर लेने मात्र से लोग भव सागर के पार उतरते हैं। और वो राम तो इमामुल हिंद है, कहते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाच, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो मैं समझती हूँ कि जब बेल में कूद कर उपद्रव कर रहे थे, महामहिम के अभिभाषण को नहीं पढ़ने दे रहे थे, तो ऐसी मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता बताने का काम कर रहे थे। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब राम के बारे में रामचरितमानस का ये विरोध करते हैं, तो राम हुए इसके कितने ज्यादा प्रमाण उपस्थित हैं। कहते हैं कि दुखी तो मैं भी हूँ, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे संता के, दीन हित के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के और संहारक थे दानवता के, राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब पुनः प्रयाण दें। और राम हुए थे इसके कितने और प्रमाण दें। कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहुरे जो चाहत उजियार। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने के बाद जो लोग काम करते हैं, कहते हैं कि प्रवस नगर कीजे सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम का नाम स्मरण कर लेने मात्र से जो लोग काम करते हैं उनके काम पूरे होते हैं। और रामचरित मानस का विरोध करने वाले, राम का विरोध करने वाले, आप अपनी बात कहिएगा। अरे समरपाल जी, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको। हाँ, महिला हमारे प्रदेश। अरे आप बोलिए, आप समय पर आप अपनी बात में आया तो उसे फाड़ कर ग्लास तोड़कर पेट में घोस लिया, ऐसे महिलाओं के बिल का विरोध करने वाले। कहते हैं कि और राम के मैं तमाम प्रमाण देना चाहती हूँ, राम कहाँ कहाँ है। कहते हैं कि राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में और शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहाँ चाहे ऋषि मूक पर्वत गवाह है, राम विराजे घर घर में,
राम सेतु के हर पत्थर में जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या वे पद प्राण दे, राम हुए थे कितने और प्रमाण दे। और बताती हूँ कि राम कथा जन जन में व्यापी, और बता रही हूँ, बताइए बताइए, और बता रही हूँ, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके जान चक्ष झूठे हैं, राम ने लगते झूठे हैं, झुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हर हर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा, वो कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को अब पढ़ने गरुड़ पुराण दो, राम हुए थे कितने और प्रमाण दो। और मैं जब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जनहित में और लोकहित में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, लगातार भूतो न भविष्यति जिस प्रकार से उन्होंने काम की शैली और पद्धति अपनाई है, मैं तो उनके बारे में कहना चाहती हूँ, न तो कामाय राज्यम, न मोक्षम, न पुनर्भवम, कामाय दुख तृप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाश्रम, ये है योगी जी जिन्होंने जनहित में लोकहित में सरकार चलाने का काम किया है। मेरा समय हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की तीन चार बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। हाथरस जिला जो कि ब्रज की देहरी है, उसमें ब्रज सर्किट में उसे शामिल करके ब्रज की देहरी को और उसमें विकास कार्य हो जाएं। हमारा हाथरस शहर, मैं हाथरस से विधायक के तौर पर आती हूँ, हाथरस शहर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योगों का शहर रहा है, उसमें अगर ट्रांसपोर्ट नगर हमें मिल जाए तो हमारा वो शहर अपना पुराना मान सम्मान और वैभव प्राप्त कर सकता है। मैं बताना चाहती हूँ कि सासनी में बेटियों के विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है, और यहाँ बैठे हैं हमारे छपरा के विधायक आदरणीय रविंद्र पाल जी, उनकी विधानसभा में बड़े दाऊ जी का मंदिर है, लेकिन रास्ता मेरी विधानसभा से होकर जाता है, अगर एक पुल बीच में बन जाए तो वहाँ के श्रद्धालु और भक्तालु चले, धन्यवाद करने में, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आधा मिनट नहीं 7 मिनट हो गए। मैं सभी को होली की शुभकामनाएं और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।